हाय, वेलकम। कंप्यूटर साइंस पर मैं नई सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में है। कई सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मुझे ये रिक्वेस्ट आई कि पाइथन हमारे लिए अच्छी है लेकिन सी और जावा हमारे ज़्यादा काम में आएंगी। तो मैं साइंस की सीरीज़ पैरेलल में कर रहा हूँ, पाइथन की सीरीज़ पैरेलल में कर रहा हूँ, लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इस कोर्स में सीखेंगे। इस कोर्स में टोटल 7 चैप्टर होंगे और उन 7 चैप्टरों में करीब हर चैप्टर में 10 लेक्चर होंगे। पहले चैप्टर के नोट्स वेबसाइट पर ऑलरेडी पोस्ट कर दिए गए हैं और आज उसका पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो है अपना कंप्यूटर सेटअप करेंगे और जो है बेसिक बात करेंगे। सी जो है वो बहुत ही लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो कि हार्डवेयर के बहुत करीब होती है। भाई कंप्यूटर कैसे बना होता है? नीचे हार्डवेयर होता है जो कि बेसिक ट्रांजिस्टर के ऊपर चिप बनाकर होता है हार्डवेयर। उसके ऊपर जो है उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और सी ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी क्लोज काम करती है। उसकी अच्छाई यह है कि जो कोड है वो बहुत फास्ट चलता है। जितना भी तुम्हारा हार्डवेयर गारंटी कर सकता है उसके करीब काफ़ी फास्ट सी का कोड चलता है। लेकिन क्योंकि बहुत पावरफुल कोड तुम लिख सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स खूब सारी पावर के साथ खूब सारी जिम्मेदारी भी आती है। अगर आप गलती करोगे तो कोड इस तरह बिहेव करेगा कि उसे डीबग करना मुश्किल होगा। तो सी के प्रोग्राम लंबे हो जाते हैं और जो है डीबग करने में हार्ड हो सकते हैं, लेकिन एडवांटेज ये है कि प्रोग्रामर के पास बहुत पावर होती है और जो है कोड बहुत फास्ट चलता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि डेनिस रिची ने लिखी थी, आई थिंक 60s या 70s में, आई एम नॉट श्योर। और बहुत ही छोटी है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कंपेयर टू जावा। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटी नहीं है। और एक बहुत ही फेमस बुक जो कि खुद डेनिस रिची और ब्रायन कर्निगहन ने लिखी है, वो हम इस कोर्स में फॉलो करेंगे। आप जो है बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन सोर्स बुक है और उसका लिंक मैंने दे रखा है। इस बुक को पढ़ना कोर्स के साथ साथ बहुत स्ट्रांगली रेकमेंडेड होगा। और कई बार मैं एज इट इज़ वर्बेटिम कुछ कोट्स भी या कुछ कोड या फिर कुछ लाइनें कॉपी पेस्ट करूँगा, लेकिन जो है बुक को पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा और एज इट इज़ हम बुक फॉलो करेंगे। बुक में भी करीब 6-7 चैप्टर हैं। तो इस कोर्स में हम बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। ये एल्गोरिथम्स का कोर्स नहीं है। इस कोर्स में हम बस सी के वेरियस एस्पेक्ट्स देखेंगे और छोटे छोटे सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन सी के सिंटैक्स वगैरह से हम फेमिलियर हो जाएंगे और सी में कोड लिखने लगेंगे और प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हम सीखेंगे। उम्मीद ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको ये हेल्प करेगा आपके प्रोग्रामिंग इंटरव्यू में। तो जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे साथ साथ कोड करें। तो आप अपना प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सेटअप कर लीजिए। अगर आपके पास विंडोज़ मशीन है तो विंडोज़ मशीन के लिए आप जो है उस पर मिनिमलिस्ट जो है GNU इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने दे रखा है। आप जो है MinGW पर जाकर कर सकते हैं या फिर आप जो है EXE इस वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप मेरी वेबसाइट mayankacademy.com पर पहला जो कोर्स है वो देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया है। उस EXE को डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करोगे तो MinGW इंस्टॉल हो जाएगा और उसी के साथ साथ GCC इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे स्टार्ट में जाके टर्मिनल खोल के, जब टर्मिनल खुल जाएगा तो वहाँ पर जैसे ही देखो कि GCC इंस्टॉल हुआ है या नहीं, उसके लिए वहाँ पर GCC लिखो। अगर वो प्रोग्राम रिकॉग्नाइज करेगा तो एरर देगा, फेटल एरर, नो इनपुट फाइल्स। अगर आपको ऐसा एरर मिल जाता है तो आपने कंप्यूटर सेटअप कर लिया है कोड लिखने के लिए। अगर वो बोलता है कि GCC इज़ अ प्रोग्राम नॉट रिकॉग्नाइज, तो इसका मतलब अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। अगर आप मैकबुक पर हैं तो GCC इंस्टॉल करने के 2 तरीके हैं। या तो एक्स कोड डाउनलोड कर लो, एक्स कोड लेकिन बहुत भारी होता है और बहुत टाइम लेगा, तो इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। या फिर जो है सिर्फ सिंपल कमांड लाइन टूल्स इंस्टॉल कर लो। शायद नए वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम शायद इंस्टॉल आने लगे हैं कमांड लाइन टूल के साथ, तो जो है स्टैक ओवरफ्लो पे उसका लिंक दिया है तो वो पढ़ सकते हो। और जो है चेक करने के लिए तुम बस टर्मिनल पे लिख सकते हो विच GCC, जो कि मैं अपने टर्मिनल पे अगर लिखता हूँ विच GCC, मेरे पास मैकबुक है तो जो है वो
दिखा देता है कि स्लैश यूजर स्लैश बिन, फॉन्ट बढ़ा दूँ मैं, अगर मैं लिखता हूँ विच जीसीसी तो मुझे वो दिखा देता है कि स्लैश यूजर स्लैश बिन में जीसीसी रखा हुआ है। अगर आप लिनक्स एनवायरनमेंट में हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो डेफिनेटली जो है जीसीसी इंस्टॉल के साथ आएगा। तो अगर आपको चेक करना है तो टर्मिनल पे विच जीसीसी लिख दो, वो जो है बता देगा कि जीसीसी इंस्टॉल। तो चलिए पहला प्रोग्राम हम सी में लिखते हैं जो कि सिर्फ इतना करेगा कि वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। इनफैक्ट डेनिस रिची की ये रिकमेंडेशन थी कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखें तो उसमें सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ही लिखें। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सी में इस तरह लिखा जाता है कि फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। इस कोड को हम जो है फ्यूचर में और सही से भी सीखेंगे। फिर उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन में हम बोलते हैं कि भाई प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, और नई लाइन के लिए न्यू लाइन कैरेक्टर डाल दो, और उसके बाद लास्टली ये गेट कैरेक्टर रख दो। गेट कैरेक्टर लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर ये नहीं लगाओगे तो जो विंडोज़ वाले बच्चे हैं उनका आउटपुट आएगा और तुरंत चला जाएगा, तो गेट कैर उसे वहाँ पर रोक कर रखेगा। तो ये हमने कोड लिख लिया और उसे मैंने सेव कर लिया है हेलो डॉट सी में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि इस कोड को कंपाइल करना है। कंपाइल करने का कमांड है जिस डायरेक्टरी में आपने फाइल हो उसी डायरेक्टरी में जीसीसी और फाइल का नाम हेलो डॉट सी है तो हेलो डॉट सी। इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक फाइल बन जाएगी ए डॉट आउट करके, ठीक है। ls किया मैंने, लिस्ट किया, ए डॉट आउट है। इसको चलाने के लिए बस मैं लिख सकता हूँ डॉट स्लैश ए डॉट आउट और मुझे आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। मैं इंटर करूँगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। गेट कैर बेसिकली यहाँ पर बस इतना कर रहा है कि प्रोग्राम को रोक कर रख रहा है। अगर मैं इंटर दबाऊँ या कोई भी की दबाऊँ तो एग्जिट हो जाएगा। अगर अगर गेट कैर नहीं होता, मान लो अगर मैंने गेट कैर को हटा दिया होता और कोड को मैं कंपाइल करता और मैं चला देता तो वो रुकता नहीं, बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके तुरंत एग्जिट हो जाता। तो गेट कैर बेसिकली बस वहाँ रोक कर रख रहा है उसे। और अब कोई भी बटन दबाऊँगा मैं एंटर तो वो बेसिकली एग्जिट हो जाएगा। जो विंडोज़ वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, उनको बस इतना करना होगा कि वो जीसीसी करेंगे तो रादर देन कि ए डॉट आउट बनेगी ए डॉट exe बन जाएगी, और ए डॉट exe को चलाने के लिए उस पर बस माउस ले जाके डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक कर दोगे तो तुम्हें भी वही आउटपुट दिखेगा हेलो वर्ल्ड, फिर एंटर दबाओगे वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अपने आप को कंग्रेचुलेट कीजिए, आपने अपना पहला प्रोग्राम सी में लिख लिया है और आपने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट भी सेटअप कर लिया है। अगर आपको आउटपुट हेलो वर्ल्ड दिख रहा है तो मुबारक हो। कोर्स का सिलेबस जो है वो बहुत ही हैवीली मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिराइव करूँगा। सारे चैप्टर्स इस बुक से लिए गए हैं और जो है लास्ट चैप्टर केवल बुक का थोड़ा एडवांस है जो शायद मैं स्किप कर दूँ। चैप्टर वन में हम जो है सी के बेसिक्स देखेंगे और सारी चीज़ों को छोटे छोटे ओवरव्यू में देखेंगे। हम एरेज़ के बारे में बात करेंगे, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और फॉर स्टेटमेंट या फॉर लूप्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर टू में हम टाइप ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस देखेंगे। चैप्टर थ्री में हम कंट्रोल फ्लो देखेंगे, फ्लो से इफ फ्लो मतलब फॉर लूप लगा के इफ लूप लगा के ये सब। उसके बाद चैप्टर फोर में हम फंक्शंस की बात करेंगे। चैप्टर फाइव में हम पॉइंटर्स और एरेज की बात करेंगे। चैप्टर छः में हम स्ट्रक्ट्स यानी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और शायद चैप्टर सात में हम इनपुट और आउटपुट की बात करेंगे। मेरा कंक्लूड करते हुए मेरी ये उम्मीद है कि ये इंट्रोडक्टरी कोर्स से आप सी की बेसिक्स सीख जाएंगे और काफ़ी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स और एडवांस्ड टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से टैकल कर पाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। बस इतना है कि जो रेफरेंस है बुक वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पर जो है राइट क्लिक करके, ठीक है। चलो बाय।